बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोभी, और उसके लिए मैंने दो फूल थे गोभी के इस तरह उनको इस साइज़ में काट लिया है, और ये उसके जो नीचे वाला डंठल है ये उसको भी ऊपर से छील के इसको भी हम बारीक जो है वो काट लेंगे। ये दो फूल थे छोटे छोटे गोभी के, इनको हमने काट के धो लिया। और ये आलू हैं, तकरीबन आधा किलो होंगे आलू, क्योंकि तीन या चार आलू थे जिनको हमने ये इतने टुकड़े इनके कर लिए, इतने पीस कर लिए। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम वो ऑयल डालेंगे, तकरीबन चार टेबलस्पून ऑयल के। और ये एक बड़े साइज़ का प्याज है और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर जिसको मैंने बारीक काट लिया। ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे इसमें। और ये पांच से छह जो है इसके लहसुन के हैं, आप कूट भी सकते हैं, लेकिन मैंने ये काट के डाला क्योंकि गल जाना है इसमें, इसलिए मैंने ये काट के डाला। और अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा था, इसको भी बारीक काट लिया। ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी डाल देंगे इसमें, और इसके साथ हम नमक डालेंगे तकरीबन एक टीस्पून। ये बस जैसे ही थोड़ा सा ये नरम होगा प्याज, इसको एक से दो मिनट हम जो है वो इसी तरह ऑयल में हिलाएंगे कि ये प्याज पूरा जो है ये निखर जाए, जो इसकी कटिंग है पूरी वो अलग अलग हो जाए। ये तकरीबन हमारा प्याज जो है इसमें नरम हो चुका है, ये अलग सारा हो चुका है। तो इसमें हम आलू डाल देंगे। जब हम आलू डालेंगे तो उस वक्त हम आधी चम्मच, आधी टीस्पून जो है वो हल्दी की डाल देंगे, और साथ ही अदरक का पाउडर तकरीबन डेढ़ टीस्पून, और लाल मिर्च एक टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, चीज़ के हिसाब से भी, कि अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं सालन तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम एक से दो मिनट जो है वो फ्राई करेंगे, हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है, तकरीबन आधा कप भी नहीं, आधे कप से भी कम। तो बस ये पानी जैसे ही थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा इसको ऊपर से ढक दूंगी। जैसे ही ये खुश्क होता है ये आलू भी भुन जाएंगे, फिर हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। अच्छा, ये आलू जो हैं ये भुन चुके हैं। घी भी छोड़ चुके हैं। अब हम इसमें सारी गोभी डाल देंगे। अब हमने पानी नहीं डालना इसमें, क्योंकि गोभी अपना भी पानी छोड़ती है। तो कुछ लोग जो हैं वो गोभी को बहुत ज़्यादा गला के, तो बिल्कुल यानी कि वो मैश करके वो बनाते हैं ना, हमारी कुछ जो भी मैश हो सकी तो वो हो जाएगी, लेकिन कोशिश होगी कि थोड़ी सी ये गोभी हम साबित रखें, यानी कि खड़ी गोभी बनाएं थोड़ी सी ना। इसकी अब हम आँच जो है वो हल्की कर देंगे ताकि ये अपने ही पानी में गले। इसको ढक देंगे और तकरीबन पाँच से छः मिनट के लिए, तो फिर इसमें देखेंगे कि पानी कितना है, पानी की ज़रूरत है कि नहीं है। अच्छा, ये देखिए कितना पानी इसने छोड़ा है, मैंने बीच में सिर्फ एक दफ़ा ही हिलाया है। गोभी इसकी जो है वो गल चुकी है, और मेरा ख्याल है कि आलू भी गल चुके हैं, ये आराम से टूट रहे हैं। तो इसकी हम आँच अब थोड़ी सी तेज़ करेंगे, क्योंकि ये गोभी भी जो है गोभी अभी सख्त है, इसकी हल्की आँच ये भी रखेंगे, क्योंकि ये आप चेक कर ले कि गोभी का अगर ये फूल तो टूट जाता है, ये चीज़ जो है ना ये गली होनी चाहिए, ये अभी थोड़ी सी सख्त है। इसको भी हम तकरीबन पाँच से सात मिनट और मज़ीद जो है ना हल्की आँच पर रखेंगे। अच्छा, मैंने इसमें पानी कोई नहीं डाला, ये गोभी का ही पानी है जो इसने छोड़ा हुआ है।
आँच हमने हल्की कर दी थी ना, ये अब गल चुका है तकरीबन। जब तक ये पानी खुश्क होगा तो ये भी गल जाएगा। अब हम इसको ढकेंगे नहीं, ताकि क्योंकि ढकेंगे अगर तो ये बिल्कुल गल जाएगा। और जब ये इसके डंडल ये गल जाएं तो फिर इसमें आपने चार जो है ना ये आलू बुखारे मैं ये डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे ये है कि जो क्योंकि आलू भी बादी हैं, गोभी भी बादी है, तो इससे जो है ना वो बादीपन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी हम इसकी आँच तेज़ करेंगे और इसको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं कि गोभी घुल ना जाए। तो ये पानी खुश्क होने पे ना, पानी खुश्क होने देंगे, फिर इसकी नमक मिर्च चेक कर लेंगे कि किस तरह, तो फिर और ऐड कर लेंगे। तो ये गोभी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें ये देखें घी भी छोड़ दिया है। तो नमक मैंने चखा था, नमक थोड़ा सा कम है, आधी टीस्पून के करीब मैं नमक डालूँगी। और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, और थोड़ी सी हम इसमें आधी टीस्पून के करीब जो है वो अजवाइन डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और काली मिर्चें जो हैं ये भी आधी टीस्पून, ये आपने एंड पे डालनी है, ये शुरू में नहीं डालनी है आपने। तो ये हमारा सालन जो है गोभी का, आलू गोभी का, ये तैयार हो गया है। इसमें अब हम जो है ना वो डाल देंगे, इसको सर्व करते हैं। और थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं ये मैं काट के डाल दूंगी, इस तरह बारीक बारीक ना काट के डाल दूंगी। और इसको ऊपर धनिया डाल देंगे। तो हमारा आलू गोभी का सालन तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी तक इसको सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।